Hello friends, this is Professor Vikas Singh. Today we are starting with the window dressing fraud. ठीक है, window dressing की बात करें friends. Window dressing is fraud है, yes. चलिए, मैं सबसे पहले आपको window dressing के बारे में समझाना चाहता हूँ. What is mean by window dressing? Sir, window dressing एक सिंपल मैनर में आपके लैंग्वेज पे मैं समझा देना चाहता हूँ. व्हाट इज मीन बाय विंडो ड्रेसिंग, बाद में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंगल से बात करेंगे. सर, विंडो ड्रेसिंग जैसे कि मान लीजिए कॉलेज में टाई दे होता है, साड़ी दे होता है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं एकदम स्मार्ट बन के जाते, राइट? बॉयज भी स्मार्ट दिखते, गर्ल्स भी स्मार्ट दिखते, मीन्स ड्रेसिंग का कमाल है रेगुलर डे से. तो वैसे ही कंपनियां भी विंडो ड्रेसिंग करती है फ्रेंड्स. मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ. व्हाट इज मीन बाय विंडो ड्रेसिंग, व्हाट इज मीन बाय विंडो ड्रेसिंग. देखिए, चलो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. इधर मान लीजिए कंपनी का एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट है. कंपनी ने यहाँ पे कमाया 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज, ठीक है. कंपनी 50 लाख रुपीज के बदले कंपनी कितना दिखा रही है, 90 लाख रुपीज दिखा रही है, ठीक है, 90 लाख रुपीज दिखा रही है. मतलब कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट को इंक्रीज करके दिखा रही है, प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा रही है. कंपनी सर बैलेंस शीट में भी क्या करती है, कंपनी बैलेंस शीट में भी ना असेट्स को बढ़ा के दिखाती है, लायबिलिटीज को कम करके दिखाती है, मतलब मैनिपुलेट करती है सर. मतलब आप अपने प्रॉफिट लॉस को इंक्रीज करके दिखा रहे हो, आप अपने असेट्स को अच्छा दिखा रहे हो, आप अपनी लायबिलिटीज को कम करके दिखा रहे हो. इसको एक वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. क्या बोलते हैं सर, विंडो ड्रेसिंग, दैट इज प्योर मैनिपुलेशन, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है. और एक कौन करता है, टॉप लेवल के लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलता हूँ सर. देखिए जरा, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, इट मीन्स शोइंग अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल. कंपनी ने कमाया कितना, 50 लाख रुपीज, बट दिखाया कितना जा रहा है, 90 लाख रुपीज. कंपनी के पास जो असेट्स है उसको बढ़ा के दिखा रही है, कंपनी के पास जो लायबिलिटीज है उसको कम करके दिखा रहे हैं हम लोग, यस. तो शोइंग अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल, दिस टाइप्स ऑफ फ्रॉड. सर ये टाइप के फ्रॉड कौन कमिट करता है, नॉर्मली डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड टॉप लेवल अथॉरिटीज. वेरी क्लियर है, यस. प्रॉफिट सर मैंने पहले बोल दिया, प्रॉफिट को हम लोग इंक्रीज करके दिखा रहे हैं, असेट्स को हम लोग बढ़ा के दिखा रहे हैं, लायबिलिटीज को हम लोग कम करके दिखा रहे हैं, यस. सर विंडो ड्रेसिंग ऑलवेज याद रखिएगा फ्रेंड्स, does not involve misappropriation of cash and misappropriation of goods. ना cash की चोरी है, ना goods की चोरी है, profit की चोरी है सर. ये assets and liability को overvalue करके दिखा रहे हैं हम लोग. Very clear. इसको हम लोग एक word में क्या बोलते हैं, window dressing. क्या बोलते हैं, window dressing. Sir, why window dressing? Why window dressing? कुछ reason होगा ना. Why क्यों करते हैं window dressing? To earn more commissions. सर जो डायरेक्टर मैनेजर्स होते हैं उनके जो कमीशन होते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है. टू अर्न द मोर कमीशन, टू सेल द शेयर्स एट हाई प्राइस. सर मैं जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखाऊंगा ना उतना ज्यादा कंपनी के शेयर्स शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे, शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे. टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक, मेरे को बैंक से लोन लेना है तो बट ऑब्वियस है सर मेरे को अपनी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी दिखानी पड़ेगी, मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा, यस. तो व्हाई विंडो ड्रेसिंग, वेरी क्लियर, यस. हाउ विंडो ड्रेसिंग, सर विंडो ड्रेसिंग कैसे करते हैं, विंडो ड्रेसिंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा के, यस, लुक इट हियर, असेट को बढ़ा के, ओवर वैल्यू करके, लायबिलिटीज को कम करके. देखिए देखिए, प्रॉफिट्स को ओवरस्टेटेड, असेट्स को ओवर वैल्यू करके, लायबिलिटीज को अंडर वैल्यू करके, वही तो लिखा मैंने. हाउ द विंडो ड्रेसिंग, असेट्स को बढ़ा के, लायबिलिटीज को कम करके, प्रॉफिट को बढ़ा के, खर्चे को कम करके, वेरी सिंपल. सर ऑब्जेक्शन क्या है विंडो ड्रेसिंग का, ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट विंडो ड्रेसिंग, क्या ऑब्जेक्शन है लोगों का, विंडो ड्रेसिंग फ्रॉड है, यस. लोगों का क्या ऑब्जेक्शन है, यस. बोलो ट्रू एंड फेयर है, ना ना ट्रू एंड फेयर नहीं है सर. बोलो शेयर होल्डर सफर कर रहे, यस शेयर होल्डर सफर कर रहे, शेयर होल्डर के साथ चीटिंग है. कौन कर रहा चीटिंग, डायरेक्टर मैनेजर टॉप लेवल अथॉरिटीज. बोले फ्रॉड बाय मैनेजमेंट है, यस. विंडो ड्रेसिंग कंपनी अगेंस्ट है, यस सर. कंपनी है कहीं नहीं बोलता है विंडो ड्रेसिंग करने के लिए, इट्स फ्रॉड. सर मैं ऑडिटर मान एग्जांपल दे रहा हूं सर, हम लोग ऑडिट करने आए, हम ऑडिट करने आए, हमने देखा ये सब कंपनी में चल रहा है, विंडो ड्रेसिंग चल रहा है,
तो हमारी क्या ड्यूटीज है, क्या ड्यूटीज है हमारी, हमारी ड्यूटीज है डिस्क्लोजिंग ऑडिट रिपोर्ट। हम ये चीज को रिपोर्ट करेंगे, ए शेयर होल्डर देख कंपनी में क्या चल रहा है, रिपोर्ट करेंगे सब। प्रॉफिट बढ़ गया दिखा इनकम, वेरीफाइड इनकम। असेट्स बढ़ गया दिखा, वेरीफाइड द असेट्स, वेरीफाइड द लायबिलिटी। वेरी क्लियर है फ्रेंड्स। क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक की वजह से भी प्रॉफिट बढ़ेगा, आप स्टॉक ज्यादा दिखा दो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। वेरीफाई द क्लोजिंग स्टॉक, वेरीफाई द प्रोविजंस, सर एक्सपेंस आपने कम रिकॉर्ड किया तो बेटा ऑब्वियस प्रॉफिट बढ़ेगा। और सर अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से भी विंडो ड्रेसिंग होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा विंडो ड्रेसिंग, वेरी सिंपल आपके लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज मीन बाय विंडो ड्रेसिंग। सर विंडो ड्रेसिंग मतलब कंपनी क्या कर रही है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रही है, सुपर प्रेजेंट कर रही है, अच्छा प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपके जस्ट ऐसे रेफरेंस के लिए। आपने वो पिक्चर देखा मैं हूँ ना, उसमें वो बाल वाला हीरो रहता है समथिंग, और जो भी जाहिद खान समथिंग, वो अमृता राव दोनों फ्रेंड्स होते, ठीक है। जैसे कॉलेज में कुछ ट्रेडिशनल डे होता है, अमृता राव एंट्री मारती है, वो हीरो देख के उसको ढिंग तंग ढिंग गाना बजने लगता है। यार मतलब ड्रेसिंग का कमाल है, सब कंपनी भी ऐसे करती है विंडो ड्रेसिंग। लेट्स स्टार्ट सीक्रेट रिसो। हम क्या सीक्रेट रिसो की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज सीक्रेट रिसो जब जान लीजिएगा। अब सब सीक्रेट रिसो क्या होता है, सीक्रेट रिसो मीन्स टू कैप्ट असाइड सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट, टू कैप्ट असाइड सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट को छुपा लेना सर, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट रिसो। सर कंपनी क्यों करती है, कंपनी क्यों करती है, फॉर फ्यूचर कुछ डेवलपमेंट के लिए, बट लेकिन सर चांसेस होता है फ्रॉड होने का चांसेस होता है। मैं मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं एक अमाउंट चोरी करके रखूंगा, छुपा के रखूंगा, और जिस दिन पकड़ा जाऊंगा मैं तो बोलूंगा सीक्रेट रिजर्व है। सर इसलिए सीक्रेट रिजर्व भी एक फ्रॉड है। यस सर एक एग्जाम्पल देता हूँ, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पुराने जमाने में मालूम है लेडीज लोग आप एक हस्बैंड उनको एक मींस मान लो एक लमसम एक अमाउंट दिया जाएगा, उसमें से हम लोग सम पार्ट ऑफ मनी को छुपा लेते थे। यस तो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं सर, व्हाट इज मीन बाय सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व मींस टू कैप्ट असाइड सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कंपनी ने अर्न किया, एग्जांपल दे रहा हूं सर, कंपनी ने अर्न किया मान लीजिए 50 लाख रुपया, और कंपनी कितना दिखा दिए 30 लाख रुपया दिखा दिए, 20 लाख रुपया छुपा के रख दिया। सर देखिए ये फ्रॉड है, ऐसा तो कोई भी फ्रॉड करेगा और पकड़ा जाएगा बोलेगा मैं तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ। यस तो देखिए और सीक्रेट रिजर्व मींस पार्ट ऑफ प्रॉफिट सीक्रेटली रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, इट इज नॉट शोन इन द फेस ऑफ बैलेंस शीट। कभी भी याद रखना सर नाम ही सीक्रेट है, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। सीक्रेट रिजर्व असेट्स आर यस एकदम ऑपोजिट होता है सर, विंडो ड्रेसिंग का एकदम ऑपोजिट होता है सीक्रेट रिजर्व। यहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट्स को कम करके, असेट्स को कम करके, लायबिलिटीज को बढ़ा के, एकदम ऑपोजिट है सर। प्रॉफिट को कम करके, असेट्स को कम करके, लायबिलिटीज को ओवर वैल्यू करके। और ये सर किसको अलाउड है, सिर्फ एंड सिर्फ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलाउड है। अदर देन इन लोग के अलावा कोई करेगा तो उसको हम लोग प्योरली क्या बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रॉड। यस इसका ऑब्जेक्ट सर क्यों करते सीक्रेट रिजर्व, टू मिसलीड द कॉम्पिटिटर। सर कॉम्पिटिटर को समझेगा जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन क्या है, टू मिसलीड द वर्कर। वर्कर जब बोलेगा हमारी सैलरी बढ़ा तो केस में आप बोल सकते हैं अरे यार प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है। यस टू मिसलीड द वर्कर। आई होप आप लोग को समझ गया होगा सर। और उसका वेरी सिंपल हाउ द सीक्रेट रिजर्व, हाउ सीक्रेट रिजर्व हम लोग कैसे करेंगे, सेम एकदम ऑपोजिट है सर, एकदम ऑपोजिट, बाकी का एकदम ऑपोजिट है, ऑडिटर की ड्यूटीज एकदम ऑपोजिट है। वेरी क्लियर है। यस टीमिंग लीडिंग सर, व्हाट इज मीन बाय टीमिंग एंड लीडिंग, टीमिंग एंड लीडिंग सर ये प्योरली एक फ्रॉड है। यहाँ पे हम लोग कैश की चोरी करते हैं। मैं एक प्रॉपर एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ सर। मान लीजिए एक एक पर्सन है सर, एक शॉप में काम करता है, ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वो एम्प्लॉय भी है और प्लस अकाउंटेंट भी है, उधर वो एम्प्लॉय प्लस अकाउंटेंट है, ठीक है। एक एक पर्सन आया, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा और इसे जो पैसे दिए ना, इन्होंने कहाँ रख लिया, अपने जेब में रख लिया, कहाँ रखना चाहिए था, ड्रॉअर में, कैश में, इन्होंने अपने जेब में रख लिया। बी आया, बी
बी ने प्रोडक्ट खरीदा, बी ने जो पैसे दिए किन के नाम पे ट्रेड कर दिया, ए के नाम पे। सी आया, सी को प्रोडक्ट बेचा, सी ने जो पैसे दिए किन के नाम पे एंट्री मार दिया, बी के नाम पे। डी आया, डी ने जो पैसे दिए, डी ने जो पैसे दिए किसके नाम पे हो गया, सी। मतलब पहला पैसा कहाँ गया, जेब में, और बी का पैसा ए के नाम पे, सी का पैसा बी के नाम पे, डी का पैसा ई के नाम पे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एंड लेंडिंग। तो सर मैंने तीनों कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया वेरी बेसिक लैंग्वेज पे, दैट इज विंडो ड्रेसिंग, सीक्रेट रिजर्व एंड टीमिंग एडिटिंग। तो सर फ्रेंड्स कनेक्टेड रहिए, और जो भी होगा प्लीज लाइक करिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच।